हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि शिक्षा, बेरोजगारों और आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी योजना आती है सरकार की, तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आता हूँ। तो आज हम लेके आए हैं, मोदी सरकार ने बहुत बड़ी एक ऐलान किया है, सरकार का एक तोहफा दिया है, मानदेय बढ़ाया है, अब 7500 रुपये मानदेय कर दिया गया है। तो पूरी खबर वीडियो में देखें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा तभी आपके समझ में आ पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत पास में आने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखें। मोदी सरकार बहुत बड़ा डिसीजन ले रही है, तो देखते हैं एक्चुअली न्यूज़ क्या है। देख सकते हो, पीएम मोदी का चुनावी तोहफा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बड़ा मानदेय, देख सकते हो एनडीटीवी खबर, न्यूज़ डेस्क का ये न्यूज़ है। पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है, जिससे महिलाओं और बच्चों को खासी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया गया, जिन्होंने अभी 3000 रुपये का मानदेय मिलता था, अब 4500 रुपये मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संवाद में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2250 रुपये था, उन्हें अब 3500 रुपये मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1500 रुपये के स्थान पर 2200 रुपये मिलेंगे। ये बढ़ा हुआ मानदेय अगले माह से लागू होगा। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने लाखों लाखों हाथ के रूप में रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान पोषण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर है, तथा टीकाकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है, जिससे महिलाओं और बच्चों को खासी मदद मिलेगी। आपको बता दें, करीब 14,02,013 के आंकड़ों के हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, तो बहुत अच्छी खबर है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। लेकिन स्थायीकरण इतने पेमेंट से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट को इससे भी ज़्यादा पेमेंट बहनों के लिए बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काम को देखते हुए उतना पेमेंट सफिशियंट नहीं है। बार बार ऐसा बहने मांग भी करती रही है पेमेंट स्थायीकरण को लेकर के, कि स्थायी दर्जा दिया जाए और उनका पेमेंट बढ़ाया जाए। वो तो उनका 25 फरवरी को दिल्ली में भी आंदोलन है आशा बहनों का, तो बार बार मांगे उठती रही, चाहे सरकार किसी की भी हो लेकिन आशा बहनों की सुननी चाहिए। तो ये था न्यूज़। अगर और भी कोई किसी भी राज्य का कोई भी न्यूज़ होगा तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही भूले। जय हिंद, जय भारत।